नहाने के क्या फायदे हैं? वैसे स्नान तो रोज हम करते हैं, लेकिन इस प्रकार नहाने से क्या फायदा मिलेगा आपको, जो आज इस वीडियो में बताएंगे, यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि जिस प्रकार से खाना खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार से खाने में क्या व्यंजन हम खाते हैं, दाल है, भात है, भाजी है, या जो भी आप पदार्थ खाते हैं, उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इसी प्रकार से नहाने के क्या फायदे हैं आज इस वीडियो में बताएंगे, और किस प्रकार नहाना चाहिए व्यक्ति को यह भी बताएंगे, और पानी में क्या डाल करना है जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। वीडियो को अंत तक जैसा बोला बिल्कुल देखें, पसंद आए तो शेयर भी करें। साथियों, सबसे पहले निवेदन है, विनती है, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बहुत आसान सरल उपाय बताते रहते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकें। कोशिश हमारी यही रहती है, उपाय करें और लाभ लें। आपको करना क्या है, नहाने का सबसे अच्छा तरीका है, इस प्रकार अगर नहाएंगे तो क्या क्या लाभ होंगे यह आपको बताते चलते हैं। नहाते समय सबसे पहले अपने पैरों पर पानी डालें, उसके बाद घुटनों पर, उसके बाद कमर पर, उसके बाद कंधे पर, और उसके बाद सबसे लास्ट में सर पर। इससे आप कभी भी असाध्य बीमारियों से ग्रसित नहीं होते, क्योंकि यह पुरानी पद्धति है स्नान करने की। पुराने जमाने में, प्राचीन काल में, लोग नदियों में स्नान करने जाते थे, तो सबसे पहले पैर हमारे नदी में प्रवेश करते हैं, सर के बल तो नहाने जाएंगे नहीं। लेकिन आज उल्टा हो गया, लोग सीधा सर से नहाना शुरू करते हैं। सर से कभी ना नहाए, इससे रोगों के शिकार, रोगों से ग्रसित हो जाते हैं आप। अब आपको यह बताते हैं इस वीडियो में कि क्या पानी की बाल्टी में आप क्या डाल करना है कि आपकी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाए, चुटकी बजाती है। तो पानी में केसर या इलायची डालकर नहाने से आपकी आर्थिक तंगी दूर होती है। यदि आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो ये समझ लो, पानी में केसर या इलायची भी डाल सकते हैं। केसर आप नहीं ला पाते हैं, महंगा है, तो इलायची आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। इलायची डालकर नहाने से आर्थिक तंगी दूर होती है, केसर डाल के नहाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। वहीं जो आप अंगूठियां या रत्न पहने हुए हैं, रत्नों को पानी में डालकर नहाने से आभूषणों की, जेवरों की, दागिनों की प्राप्ति होती है। और यदि पानी में तिल डालकर नहाते हैं तो महाकाल की कृपा प्राप्त होती है, और सबसे बड़ी चीज यह है, तिल डालकर नहाने से आपकी आयु बढ़ती है और कोई दुर्घटना आपके जीवन में नहीं होती। वहीं दही डालकर यदि आप स्नान करते हैं, पानी में दही डालकर स्नान करें, तो इससे आपकी जो संपत्ति है उसमें बढ़ोतरी होती है। और घी डालकर अगर पानी में आप स्नान करते हैं तो इससे जो है आयु बढ़ती है और आप स्वस्थ रहते हैं जीवन भर। सुगंधित वस्तुओं को डालकर अगर आप पानी में स्नान करते हैं, जैसे चंदन है, हल्दी है, या जो उपटन बोलते हैं सुगंधित, उसके पाउडर को डालकर आप स्नान करते हैं, तो इससे पैसों की कमी दूर होती है, आपके पास धन आना शुरू हो जाता है, ऐसा मानकर चलें। तो वीडियो पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा सुखी रखे, संपन्न रखे और स्वस्थ रखे।